नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। पिछले शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुए हिंसा के मद्देनजर आगामी शुक्रवार को जुमे की नमाज को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है जनपद पुलिस। ड्रोन कैमरे के सहयोग से लगातार की जा रही है निगरानी। एसपी सिटी ने कहा, उपद्रवी तत्वों के मंसूबों को पूरी तरह नाकाम करेगी गोरखपुर पुलिस। चोरी कर टेम्पो के पार्ट्स को अलग अलग करके बेचने वाले तीन टेम्पो चोरों को दो चोरी हुए टेम्पो बजाज ऑटो के साथ 6 घंटे के अंदर शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने किया खुलासा। उच्च न्यायालय के निर्देश पर राजकीय महिला शरणालय का जिला जज तेज प्रताप तिवारी और जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने किया औचक निरीक्षण। जिला जज तेज प्रताप तिवारी ने कहा, जांच करने के बाद जांच की रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय को की जाएगी प्रेषित। थानों पर एफआईआर दर्ज न होने की कई शिकायतों का एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने लिया संज्ञान। जन सुनवाई का आयोजन कर अपने समक्ष फरियादी और विवेचक को आमने सामने बिठाकर सुना उनकी समस्याएं। कहा, फरियादियों की समस्याओं का किया गया निस्तारण, पुलिस कर्मियों की लापरवाही पाए जाने पर की जाएगी कठोर कार्रवाई। जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जनपद में होने वाले भव्य कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सीडीओ इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में योग के डॉक्टरों के साथ बैठक सकुशल हुई संपन्न। कहा, 21 जून को सुबह 5:30 बजे से 7 बजे तक कराया जाएगा योग। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तथा जिला जज तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में दीवानी न्यायालय परिसर में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। कहा, सभी को अवश्य करना चाहिए रक्तदान। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत गोरखनाथ मंदिर के दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित साप्ताहिक योग शिविर एवं शैक्षिक कार्यशाला का हुआ शुभारंभ। कहा, योग को अपनाने से न केवल शरीर अपितु मन भी रहता है स्वस्थ। और महानगर भाजपा के कार्य समिति की बैठक महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता की अध्यक्षता में हुई संपन्न। कहा, 21 जून को विश्व योग दिवस पर सभी शक्ति केंद्रों पर आयोजित होंगे योग के कार्यक्रम। सरकार के लाभकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और बूथ सशक्तिकरण अभियान पर हुई चर्चा। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में पिछले शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुए हिंसा को देखते हुए एवं आगामी जुमे की नमाज के बाद या बाद में किसी प्रकार का दंगा न होने पाए, इसी संबंध में ड्रोन कैमरे के सहयोग से निगरानी की गई, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया है कि प्रदेश में पिछले शुक्रवार को ही घटना को मद्देनजर रखते हुए तथा आगामी जुमे की नमाज एवं किसी अन्य कार्यक्रम पर कोई घटना ना होने पाए, इसलिए ड्रोन कैमरे की मदद से 54 घरों को चिन्हित किया गया था। निगरानी के दौरान कुछ और घरों को चिन्हित किया गया है जहाँ पर छत के ऊपर ईंट पत्थर इकट्ठा रखे हुए थे तथा दोबारा ड्रोन से निगरानी की गई कि ऊपर से पत्थर हटाए गए कि नहीं तथा साथ ही नए घरों की भी निगरानी की गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, आपस में भेज दिया इसको, तुम ऊपर चले जाओ। टंग भी उड़ा रहे हैं, आराम ही है गाले। पीछे भेज लेंगे, पीछे भेज दो उसको, वे पॉइंट उसका उधर कर लो। एकदम बढ़िया क्लियर रूप दिखाई गई।
से इसे यूज नहीं करते ज़्यादा, इसको यूज़ करने से क्रैश होने का डर रहता है। ग्राउंड यूज़ कर सकते हैं इसका, इस बटन का यूज़ इसको ना, हाँ खुला ग्राउंड हो जैसे वो ना सा है कर सकते हैं। ये देखो ना आप जब इसमें ना इसमें देखना, एक मिनट देखना, एक मिनट रूट पकड़िए, रूट पकड़िए, रूट से जाइए, रूट चलते हैं, एक मिनट रुक जाओ, ऊपर देखते रहना तुम कोई वो ना, हम देख रहे हैं थोड़ा राइट कर दो इसका, अरे इससे भी ज़्यादा क्लियरिटी होगा, अभी पास में जाएंगे ना, हाँ सर दर आठ है, तुम उसको देखते रहना। आस पास में दोनों लड़कों को बोल दो थोड़ा एल्टीट्यूड और बढ़ा दें क्या, जनपद गोरखपुर में प्रदेश में पिछले शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद हुई विभिन्न प्रकार की घटनाओं को मद्देनज़र रखते हुए इस बार की जुम्मे की नमाज एवं किसी अन्य कार्यक्रम में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो पाए, इसलिए कुछ दिवस पहले ड्रोन उड़ाकर 54 ऐसे घर आइडेंटिफाई किए गए थे जहाँ से ईंट पत्थर घरों के ऊपर जमा थे, दोबारा ये इंश्योर करने के लिए कि क्या उन घरों ने अपने छत पर जमा किए गए ईंट पत्थर हटाएं या नहीं हटाएं, उसको देखने एवं अन्य घरों पर भी सर्विलांस के लिए ड्रोन उड़ाया गया है एवं इंश्योर कर रहे हैं कि उन घरों में पर से ईंट पत्थर हटा दिया जाए। कुछ नए घर भी आइडेंटिफाई किए गए हैं
एवं पुराने घर जिन पर 54 नोटिस दिए गए थे उन पर से भी ईटा पत्थर हटाया गया, ऐसा प्रकाश में आया अभी तक। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी में चलाए जा रहे अभियान को देखते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई के कुशल पर्यवेक्षक में शाहपुर पुलिस ने 3 टेम्पो चोरों को गिरफ्तार किया, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने पुलिस लाइन के पुलिस सभागार में प्रेसवार्ता करते हुए बताया कि शाहपुर थाना प्रभारी द्वारा 2 चोरी हुए टेम्पो बजाज ऑटो को बरामद किया गया है। मुखबिर की सूचना पर कौवाबाग चौकी मोड़ से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान समीम, विकास और मनीष चौहान के रूप में हुई है। इनके ऊपर पहले भी चोरी के मुकदमे दर्ज हैं तथा पिपराय क्षेत्र में टेम्पो के पार्ट्स को खोलकर तथा अलग अलग करके बेचने का कार्य करते हैं। उन्होंने बताया कि 6 घंटे के अंदर पुलिस द्वारा इस घटना का अनावरण किया गया, जो बधाई के पात्र है। गिरफ्तार करने वाली टीम में शाहपुर जेल रोड चौकी प्रभारी रामानुज सिंह यादव, उप निरीक्षक अरविंद सिंह, हेड कांस्टेबल उदय प्रताप सिंह, कांस्टेबल आजाद अली, अखिलेश यादव, श्रवण कुमार शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण अंकुश लगाने के क्रम में आज शाहपुर पुलिस द्वारा एक बहुत अच्छा कार्य किया गया, जिसमें 2 चोरी किए गए बजाज कंपनी के ऑटो को बरामद किया है। ये घटना कल शाम को 5 बजे पुलिस थाने पर सूचना मिली कि 2 ऑटो को चोरी कर लिया गया है। इस बाबत शाम को 11:15 बजे मुखबिर खास की सूचना पर चुन्नीपुर मोड़ से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम शमीम, विकास सिंह और मनीष चौहान हैं। इन लोगों पर पूर्व में भी चोरी के एवं एनडीपीएस के मुकदमे दर्ज हैं एवं विद इन 6 आवर्स 6 घंटे के अंदर अंदर पुलिस द्वारा इस घटना का अनावरण किया गया, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। ये लोग टेम्पो ऑटो को पार्ट खोल के बेच देते थे। पिपराई क्षेत्र में टेम्पो खोलने का ये घटना सामने आई है। अभी तक 2 ऑटो की बरामदगी हुई है एवं बाकी भी प्रयास जारी है कि इन्होंने पूर्व में भी कहां कहां ये कार्य करते आए हैं। उच्च न्यायालय के निर्देश पर बुधवार को घंटाघर स्थित राजकीय महिला शरणालय का जिला जज तेज प्रताप तिवारी और जिला अधिकारी कृष्णा करुणेश ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला जज और जिलाधिकारी ने जेल में बंद महिलाओं की अवस्थाओं को देखा और जायजा लिया, जिसके संबंध में जिला जज तेज प्रताप तिवारी ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर विशेष निरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें घंटाघर में स्थित राज्य महिला शरणालय से काफी शिकायतें मिल रही थी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आगे भी किसी प्रकार की शिकायत मिली तो कार्रवाई के लिए पत्र लिखना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय से कुछ विशेष आदेश मिले हैं, जांच करने के बाद जांच की रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय को देना है। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश एवं राजकीय महिला शरणालय की अधीक्षिका रेशमा श्रीवास्तव मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला जज तेज प्रताप तिवारी ने कहा, दवाई मिलता है कहाँ की है? ठीक है।
अभी दवा चली तो थोड़ा ये फोन नंबर हमको सब बताने घर जाएंगे बोल नहीं पाते। मऊ से पकड़ी गई थी सर, इसका फोटो वोटो सब हम लोग निकला, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा सर। छोटे बच्चों को पढ़ाई कुछ हो रहा है? हाँ सर, मैडम क्या पढ़ाती है? तो मैडम गेट पर है, चल के चेक करता हूँ, जरा ताला खुलवाइए तो उसको देखे, ताला खुलवाइए देखा जाए। उधर का ताला खुलवाइए, उधर वाला उस गेट पर ना हाईलाइटेड ये होगा कि बच्चे खराब हो गए, नालायक हो गए, पेरेंट्स को नहीं रखते हैं, उनका टेक केयर नहीं करते हैं, ये करते नहीं करते हैं। साथ उसी दर करो सर, तो नीडेड नहीं है किसी को। जी जी सर, है अगर पुरुष अंदर पाया गया तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। जी सर, अभी यहाँ ही बना। जी कौन लड़ेगा मुझसे? आप लड़ेंगे कि महिला काउंसिलर लड़ेगी? कोई नहीं लड़ पाएगा। अरे एक तो कम से कम धक्का करो, समय दिमाग खराब है, अभी कोई मांड हो जाएगा ना तो। आइए फिर भाई, अगला वाला कहाँ चल रहा है भाई? चल रहा सर पूरा बार है सर। आज का ये विशेष निरीक्षण माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार किया जा रहा है, संयुक्त रूप से मेरे और जिला अधिकारी महोदय के द्वारा करना है। यह विशेष निरीक्षण है जिसमें कुछ विशेष बातें वहां से कही गई हैं और इसकी सूचना शीघ्र अतिशीघ्र माननीय उच्च न्यायालय को देना है। थानों पर FIR दर्ज न होने की कई शिकायतों का सोमवार को SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने संज्ञान लेकर जिले के सभी थानों के फरियादियों को पुलिस लाइन में बुलाकर जन सुनवाई का आयोजन किया। जन सुनवाई में फरियादी और विवेचक को अपने समक्ष आमने सामने बिठाकर उनकी बातों को सुना और समुचित कार्रवाई का निर्देश दिया, जिसके संबंध में SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि पुलिस लाइन स्थित पुलिस सभागार में फरियादियों को बुलाया गया है, जो सोमवार को फरियादी अपनी शिकायत लेकर पुलिस कार्यालय आए थे। पुलिस लाइन में फरियादियों के साथ जो जिम्मेदार पुलिसकर्मी हैं, जिनको उनकी समस्याओं का निस्तारण करना चाहिए था, उनको भी बुलाया गया है, ताकि फरियादी और पुलिसकर्मी को आमने सामने बात करा करके उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाए। उन्होंने बताया कि अगर किसी पुलिसकर्मी पर लापरवाही पाई जाती है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई, SP साउथ अरुण कुमार सिंह, SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी सहित थानों के थाना प्रभारी व BPO मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा, ठीक है। राम पुकार विश्वकर्मा जी। हाँ सर, बताइए क्या समस्या विवेचना में? दो शब्दों दो लाइन में बताइए। आप पुलिस कर्मी वहीं बैठे रहेंगे जहाँ पे हम बोलेंगे? बताइए सर, दे दो कागज, हम साहब दरखास्त लिख के पासपोर्ट लखनऊ दिल्ली तो करे बाद एक दाई वापस दूसरे दाई। अभी कोई गिरफ्तारी हुई है? केहू नहीं साहब, केहू नहीं।
दूसरे दाई साहब पैसे की ठगी हुई है सर, 1,03,000 टोटल साहब हुआ है, 1,03,000 की हुई है। ठीक है, विवेचक कौन है इसमें? बैठे रहेंगे, कोई खड़ा नहीं होगा। आप सीधा मुद्दे पे आइए, इनके मामले में कार्यवाही क्यों नहीं हुई? एक लाइन कार्रवाई हुई है, जितने मुलजिमों के खिलाफ चार्जशीट इन्होंने मुकदमा पंजीकृत कराया था उतने अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट लगी है। केवल 467-468 IPC का अपराध नहीं पाया गया, इसलिए विवेचना से विलोपित कर दिया गया है सर। इनके द्वारा दो मुकदमे करवाए गए जी, क्या दोनों मामलों में चार्जशीट लगी है? जी दोनों में सेम। कब लगी है, तारीख बताएं? एक में लगी है 25 दिसंबर को, एक में 23 दिसंबर को। आप दोषी होंगे, क्या चार्जशीट कोर्ट चली गई है? जी सर कोर्ट गई है, कोर्ट पर रिसीव नहीं है, कोर्ट पर रखी हुई है। ये कोई बात नहीं होती है, क्या बात नहीं कोर्ट के लिए, कोर्ट रिसीव नहीं है जी सर कोर्ट पर। और वो आदमी विदेश कब गया है साहब? जनवरी में साहब 12 तारीख के गए हैं, तो दरोगा जी के फिर बतौली कहना है कि हम क्या करें, तब तक हमारे बहनिया फोन कर ले कि वहाँ से 30,000 रुपया मिला है दरोगा जी, पूरा सब शहर में जाकर देखी साहब, पासपोर्ट कार्यालय के लिए देखी साहब, जैसे कागज भी होंगे। ये क्या तरीका है बताइए आप? देखिए तरीका पाएगा, अब जब मुकदमा खत्म हो जाएगा तब वो बाहर जाए, आम साहब पासपोर्ट कार्यालय चाहेंगे पासपोर्ट रद्द करेंगे, करवाने की कार्यवाही कीजिए आप, उसको वापस बुलवाइए। ठीक है, आपका काम तो हो गया है, लगभग 90% काम तो हो गया आपका। हाँ, पुलिस पैसा कैसे दिलवाएगी आप? हम तो मुकदमे में अगर दे तो अच्छी बात है, नहीं तो हम कार्यवाही कर दिए, और कोर्ट में जमा हो जाएगी चार्जशीट, चेक कर लीजिए कोर्ट में जमा हुई है या नहीं है। और साहब हम गरीब आदमी साहब, साहब कह रहे हैं कि तुम अभी बाकी नहीं, तुम्हारे साथ क्या करते साहब से, और तैयार होकर के खूब आना, और हम ऐसे टिकट और वीजा फाड़ करके थे, तीन जन साहब हमारे रिश्तेदार, मामा के लड़का भी गए साहब, कुछ वही धमका तो हम के रोवत गई और थाने से बाहर। भाई क्या समस्या आ रही है दरोगा जी इसमें, मुझे आप फाइनल बता दो। ठीक है, क्या समस्या आ रही है? मुकदमा दर्ज हुआ है? मुकदमा दर्ज है आपका? मुकदमा आपका दो बार भी है, उनके ऊपर तो कई मुकदमे हैं। बैठ जाओ, बैठ के बोलो। मुकदमा दर्ज है आपका, आया नाम बताए? मुकदमा में दर्ज है आपका, मुकदमा दर्ज नहीं है। क्या मामले की शिकायत है आपकी? धोखाधड़ी है, अपने चीजों के द्वारा जो साथ हमारे भतीजा हमको हमारे औरत को घर में घुस करके अकेले लगे मारने पीटने दौड़ाने। मारपीट की शिकायत है आपकी? भतीजे ने मारपीट की आपके साथ में? हाँ, और देखिए हमारी लड़की गाजियाबाद में, उनको भी गाली देकर कह रहे तुम्हारे माता पिता को। क्या है भाई, कब की मारपीट है और क्या चोट आई है उनको बताएं? क्यों आप तो छुट्टी 3 दिन गए होंगे, ये तो प्रकरण कब से चल रहा है, आप ही के हल्के का है? अभी तो इनके दरवाजे पर दो बार गए सर, एक बार इनके छोटे दो बार गए, एक घर में से नहीं निकले, उसके बाद उनके पूरे परिवार से मैंने पूछा, इनके एक बड़े भाई खजने में ही अपना प्रैक्टिस करते हैं सर, उनसे भी पूछताछ किया, कोई विवाद नहीं, इनके छोटे भाई से पूछताछ किया, जो बाप बेटे दोनों मास्टर था, उनसे भी पूछा, कोई विवाद नहीं, गाँव के लोगों से भी पूछा, 10-5 लोगों के जो मानिंद है, जो उस टाइप के हर प्रकार के लोगों से पूछा, कहीं किसी प्रकार का। अरे ये कह रहे हैं ना विवाद है इनका, विवाद बोल रहे हैं, वो जो लड़का है, आप क्या निष्कर्ण, आप प्रकरण को छोड़ क्यों दिए बीच में? इनका नाम नोट कर लीजिए, इनको चेतावनी दीजिए, ड्यूरल हिस्ट्री का रिपोर्ट देंगे, अगर इसके ऊपर 11 मुकदमा है तो स्टिकेट खोलिए। इनका जो जमीन का विवाद है, बंटवारे का, ये कोर्ट में देखेंगे, लेकिन एक बार आप और राजस्व विभाग के लोग सभी पक्षों का रिकॉर्ड लेकर पूरी जांच करिए, जमीन का कौन सी जमीन है, SC ST की जमीन कौन सी है जिसपे कब्जा किए हैं, उसकी भी जाँच कर लें। इसमें एक फायदे है, थाना खजने का 328 का, एक मिसाल अभियुक्त है 302 का है, उसमें 10 साल सजा काटने के बाद हाईकोर्ट से दोष मुक्त हो चुका है सर, एक जो लोग 307 बता रहे हैं उसमें गवाही हाईकोर्ट में जिला जज। तो अब आपको कितना चाहिए, एक 308, एक 307, एक 302 हो गई, तो और कितना अपराध करवाने के बाद उसको आता होगा?
और विवादित भूमि है सर। आप कट शॉर्ट करें, इनका कहना है इनके साथ गाली गलौज मारपीट हुई है। कब हुई है? 12 तारीख को। नहीं सर, इन्होंने मारा है सर। मारपीट हुई है या नहीं हुई? हाँ या ना बताओ सर। हुई है। हुई है। इनको भी चोट लगी, उसको भी चोट लगी है? इनको नहीं सर, उन लोगों को चोट लगी है। उन लोगों को चोट लगी है। वो दूसरा पक्ष इनका क्या लगता है? सर पटीदार है सर। पड़ोसी है? पटीदार है सर। सर अरे पटीदार तो है ही है, क्या गाँव के पास में रहते हैं? पड़ोसी है? पड़ोसी है। तो उसमें क्या खूब कार्रवाई हुई है 12 तारीख वाले? 12 तारीख वाले सर उन लोगों की तरफ से NCR दर्ज हुआ है। और ये जो रात में टीन सेट रख दिए थे, विवादित भूमि थी, और 6 महीने पहले भी एक बार मैं इनका चलान कर चुका हूँ, और एक बार 116 भी कर चुका हूँ। फिर ये वही काम कर दिए सर रात में। उन लोगों ने शिकायत की, मैं मौके पे जा करके लोगों को समझाया। समझाने के बाद फिर वापस चौकी आ गया। फिर ये कहीं से आए और दोनों लड़कियाँ, केवल उनके घर पे दो लड़कियाँ रहती हैं, एक लड़का सर एडमिट रहता है यहाँ पे राम जानकी विद्या का, तो उनको ये लोग मारे। उसका वीडियो भी मेरे पास दिखाइए। वीडियो दिखाइए। वीडियो में सर जैसे चिल्लाने उड़ाने की आवाज़ है। एक आदमी भेजा था, उन्होंने कहा ठीक है, तो उनको सर ला करके छुट्टियों में बंद, और उनको मना किया कि सर जब से जाने का फैसला हो जाए काम न करें। क्या काम करवा रही है? इन्होंने सर रात में एक टीन सेट डलवा कर पिलर। अगर आप मौके पर जाकर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करके वो हटवा के मुकदमा दर्ज कर दिए होते सही धारा में और इनका सही इलाज हो जाता तो ये समस्या हमें नहीं आती। एविडेंस आप कलेक्ट करेंगे नहीं मौके पर जाकर, सही धारा में मुकदमा करेंगे नहीं, जो दुष्ट है उसके खिलाफ सही कार्रवाई होगी नहीं तो जाके शिकायत करेगा ही। आप जो कहानी बता रहे हो उसका क्या साक्ष्य है आपके पास? सर उसका मुकदमा है सर, और बाकी मुकदमे में तो धारा मारपीट की लगी है। और जो आप बेस बताए हो मूल कारण समस्या का, उसमें क्या कार्यवाही की है? जो मूल समस्या उसमें मूल सर उसमें सर राजस्व से मिलकर सर मैंने जमीन को दिखवाया था सर 6 महीना पहले, तो जहाँ पे इनका कब्जा बता रहे हैं सर वहाँ पे इनकी संपत्ति न होकर के पोखरे के पास में, जैसा कि नक्शा में लेखपाल साहब और कानून साहब बताए, तभी से सर 6 महीने पहले मना कर दिए थे भाई काम बंद कर। सर सही नहीं है सर। नहीं एक मिनट आप ये बताओ, आप ये बताइए क्या आपने जाके रात को टीम रखा था वहाँ से? तो रखा ही नहीं जाएगा, इतना बड़ा सेठ सर एक दिन में रखा। कितने दिन में रखा है आपने? सर 3 दिन पहले मैं रखा था। 3 दिन पहले रखा था? क्या उस पर आपको मना किया गया था सेठ रखने से पहले? मना सर कोर्ट नहीं किया सर, उसका कागज नहीं मिला। आपको मौके पर राजस्व विभाग ने आके मना किया था शेड रखने से? राजस्व का सर है मेरे पास कागज, लेखपाल साहब लिखे हैं। क्या लिखे हैं? क्या लिखे हैं उसमें? लिखे हैं कि आप अपना कब्जा कर लीजिए सर। लिखे हैं ग्रामीणों द्वारा विवादित हूँ, आवेदक बताई गई सर कागज। ठीक है, इसमें कहाँ लिखा है कि आप कब्जा कर लो? कहीं लिखा है? कोई SDM साहब के पास गए सर? 91 नंबर में सर सारे अवैध कब्जेदार चाहते हैं। वो बात छोड़ो, हाई कोर्ट में लेके खड़ी आप अगर मारे तो हाथ हाथ पे तो किए सर, पैंट भी निकाल दूं, पूरी चड्ढा भी निकाल दूं सर। दिखाओ कहाँ चोट लगी है? जी आज पुलिस लाइन सभागार में फरियादियों को बुलाया गया है जो सोमवार के दिन अपनी शिकायत लेकर पुलिस कार्यालय आए थे। यहां पर फरियादियों के साथ साथ जो जिम्मेदार पुलिसकर्मी हैं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हों, इंस्पेक्टर हों या कांस्टेबल्स हों, BPO हों, जिनको कि उनकी समस्या का निस्तारण करना चाहिए था, उनको भी बुलाया गया है ताकि जो फरियादी हैं और जो पुलिसकर्मी हैं आमने सामने बात करके देखा जाए कि समस्या का निस्तारण क्यों नहीं हो रहा और किस प्रकार समस्या का निस्तारण होगा, इसके निर्देश भी दिए जाएं, और यदि कहीं पुलिसकर्मी की लापरवाही पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। जी पुलिस के पास जो भी फरियाद लेकर आएगा हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी समस्या सुनें और उनका विधिक निस्तारण करें, और भीड़ चाहे कम हो या अधिक इसमें हमें हमारा कर्तव्य का पालन करना चाहिए हर परिस्थिति में, और फरियादी की समस्या के लिए उसको बार बार चक्कर ना काटना पड़े, इस प्रकार की व्यवस्था हर प्रत्येक पुलिसकर्मी को अपने स्तर पर करनी चाहिए। और इसी की समीक्षा के लिए आज ये हमने यहाँ जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा है पुलिस लाइन में, और इसमें आगे प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, ऐसा कई फरियादी आए थे सोमवार के दिन जिन्होंने ये स्पेसिफिक शिकायतें की थी कि उनके थाने पर सुनवाई नहीं हो रही, तो इसी क्रम में आज उनको और संबंधित पुलिसकर्मियों को भी साथ बुलाया गया है जिससे कि दोनों पक्षों से सवाल जवाब किया जाएगा कि क्यों उनकी सुनवाई नहीं हो रही, क्यों उनके मामले में कार्रवाई नहीं हो रही और क्या कार्रवाई अपेक्षित है। यदि इसमें पुलिसकर्मियों की गलती पाई जाएगी तो उनके ऊपर भी कार्रवाई
तत्काल की जाएगी। 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को देखते हुए विकास भवन के सभागार में योग के डॉक्टरों के साथ बैठक की गई, जिसके संबंध में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने बताया कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो जनपद में भव्य कार्यक्रम होगा, जिसमें VIP और VVIP लोग आएंगे। इसी तैयारी को लेकर यह बैठक की गई है। उन्होंने बताया कि होने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सुबह 5:30 बजे से 7 बजे तक कराया जाएगा, जिसमें हर ब्लॉक, तहसील, पंचायत पर होगा तथा गायत्री परिवार, पतंजलि, आयुष हॉस्पिटल एवं विश्वविद्यालय और समाज सेवी संस्था तथा नागरिकों द्वारा सहयोग किया जा रहा है, ताकि यह कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा, क्योंकि हम लोग जो ये अभी तक ऐप ही डाउनलोड नहीं की, जो एटलीस्ट 200 लोगों के पास तो ऐप डाउनलोड होनी चाहिए थी, और अगर बगल की जो भी जहां लोग ये चीज हमें ध्यान देनी है, तो ये मेरा मुद्दा रहेगा, इसकी डिटेल के बारे में अभी बताऊंगा। दूसरा, जो 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना है, ठीक है, उसमें हमें कवर करना है कि किस तरह से हमें उसको प्लान करना है। तो पहले आप पूरा जो जियो है पढ़ के सुनाइए, जो कल इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ के सुनाइए, फिर उसकी प्लानिंग करिए कैसे कैसे होगा, ठीक है। कैसे होगा वो डिसाइड करना चाहिए, कितने मैट चाहिए वो डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ मंदिर में होगा तो कितने लोग वहाँ कर सकते हैं, इतना मंदिर 3 लोगों को भेजिए रामगढ़ ताल, क्योंकि आप जानते हैं कैसा स्टेज चाहिए, कैसा गद्दा चाहिए, क्या क्या चीज चाहिए, कितनी स्क्रीन करनी है, वो आप जल्दी योगा कर सकते हैं। ये सब चीज़ें सोच सोचिए, ये प्लानिंग करके आइए, ले आउट प्रोग्रेस, ये ले आउट बना के मेरे पास साथ आप सेकेंड हाफ में आएंगे, 3-3 मंदिर डिसाइड। अगर योगा मैट चाहिए तो कितने चाहिए वो फिगर मेरे पास आ जानी चाहिए आज, और उसमें देखिए जियो में और क्या क्या कहा, कल भी उन्होंने कई चीजें पेशकश की है, वो सारा आप देखिए। बचा मैं बताया था आपको, वो कंप्लीट करके फिर आप लोग मेरे पास आ जाइएगा, फिर उसको फाइनल कर देंगे। जो परचेज कमेटी बनी है उसको आज मार्केट सर्वे पे भेज दीजिए, टी शर्ट के सैंपल लेके आ जाए, कॉस्ट उनका वो ले जाए, कोटेशन लेके आ जाए, ये आज कर लीजिए, और टी शर्ट का डिजाइन फाइनल कर दीजिए, ताकि आज शाम तक हम ऑर्डर दे रहे हैं या कल सुबह दोपहर तक ऑर्डर दे रहे हैं, हो जाएगा, बताइए, हो जाना चाहिए इसको, ठीक है ना। इसको कर दीजिए, अभी करना है, पहले जियो पढ़ के सुनाओ सर, जियो के बताओ कि किसको करना क्या है। 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना है, और उसमें गोरखपुर में एक भव्य कार्यक्रम होना है, जिसमें संभावित है कि जो VVIP प्रोग्राम रहेगा, और इसको देखते हुए उसकी तैयारी को लेकर ये बैठक की गई है। और इसके साथ साथ जो योग अमृत सप्ताह चल रहा है, उसमें हमारा कल बड़ा अच्छा पार्टिसिपेशन आया, आज वो और बढ़ गया है। इसमें हमें हर तरह के समाजसेवी संस्थाओं और नागरिकों द्वारा सहयोग किया जा रहा है, हर ब्लॉक में, हर तहसील में, पंचायत में ये योग का कार्यक्रम सुबह 5:30 से 7 बजे तक कराया जा रहा है। और इसमें हमें जो समाजसेवी संस्थाएँ हैं, गायत्री परिवार जैसे, और पतंजलि हो गया, आर्ट ऑफ लिविंग हो गए, आयुष के जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, या विश्वविद्यालय हैं, या जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, सब लोग मदद कर रहे हैं इसमें, और एक टीम भावना से सब लोग इसमें कर रहे हैं, ताकि योग फॉर ह्यूमैनिटी को हम लोग सक्सेस बना सकें। हाँ जी, निर्देश किस तरह दिए गए? निर्देश जो दिए गए हैं कि उसमें ये दिया गया है कि जो 21 को होना है उसमें किस तरह से जो योग मैट लगेंगे या लेआउट प्लान होगा, वो सारे का सारा एक प्लानिंग अभी चल रही है, मीटिंग आयुष डिपार्टमेंट की, उसके उनके डॉक्टर सारे आए हैं, फार्मेसिस्ट भी है, तो वो एक पूरा एंड टू एंड प्लानिंग उसमें कर रहे हैं। तो वो निर्देश यही दिए गए हैं कि जो 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 चीज़ उसमें होनी है, क्रैक करना है, वो अभी कर लिया जाए, क्योंकि टाइम कम बचा है, और उसको फाइनल करते हुए उसका जो भी अप्रूवल लेते हैं ले लिया जाए। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पे जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने, जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसड़, गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई।
रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। को मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तथा जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में दीवानी न्यायालय परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में जिला जज तेज प्रताप तिवारी ने बताया कि रक्तदान करने से किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है, सभी को रक्तदान करना चाहिए। आज मैंने भी रक्तदान किया है। उन्होंने सभी अधिकारी कर्मचारी अधिवक्ता तथा नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि रक्तदान से कोई नुकसान नहीं होता है, सभी को रक्तदान करना चाहिए। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी आशुतोष कुमार दुबे, जिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक, अधिवक्ता, कर्मचारी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला जज तेज प्रताप तिवारी ने कहा, ये मानना है, ये पांचवी बार मैं रक्तदान कर रहा हूँ। रक्तदान से कोई परेशानी नहीं होती है, रक्तदान बहुत ही सुरक्षित है और इससे कोई हानि हमको नहीं होती। मैं सिविल कोर्ट के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अधिवक्ता गणों से ये अपेक्षा करूँगा, अपील करूँगा कि वह रक्तदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और रक्तदान करे। रक्तदान महादान है और इससे किसी भी प्रकार का कोई शारीरिक, कोई भी मानसिक, कोई भी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। एक यूनिट ब्लड कितना होता है? 250 350 ले बेटा, वो पढ़ा लेंगे और घर पर है लोग काम करेंगे। आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से हमारे दीवानी न्यायालय परिसर के चिकित्सालय में, और आज मैंने रक्तदान किया है। मैं अपील करूंगा सभी अधिकारियों से, कर्मचारीगण से, अधिवक्तागण से, यहाँ की नागरिक से कि रक्तदान से कोई नुकसान नहीं होता है, रक्तदान करना चाहिए।
इसमें कोई परेशानी नहीं होती। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत गोरखनाथ मंदिर के दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित साप्ताहिक योग शिविर एवं शैक्षिक कार्यशाला के उद्घाटन सत्र से साप्ताहिक कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर के कुलपति प्रोफेसर AK सिंह, मुख्य अतिथि गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, विशिष्ट अतिथि गुरु गोरखनाथ योग संस्थान के योग प्रशिक्षक योगी सोमनाथ तथा कार्यक्रम अध्यक्ष महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर UP सिंह रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता प्रोफेसर AK सिंह ने कहा कि गोरखनाथ मंदिर की भूमि यहां पर आने वाले व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। आज यह पीठ इस साप्ताहिक कार्यक्रम के माध्यम से न केवल योग की शिक्षा प्रदान कर रही है अपितु योग प्रशिक्षुओं में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी कर रही है। आज संपूर्ण विश्व योग दिवस को बड़े ही मनोयोग से मना रहा है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की इच्छा है कि प्रदेश के प्राथमिक स्तर से ही सभी विद्यालयों में छात्रों को योग की शिक्षा दी जाए, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी निरोग हो सके। उन्होंने कहा कि व्यायाम करने से शरीर बलवान हो सकता है, किंतु स्वस्थ होना निश्चित नहीं है, जबकि योग को अपनाने से न केवल शरीर अपितु मन भी स्वस्थ रहता है। योग को अपनाना अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए परम आवश्यक है। हमारा माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है कि योग शिक्षा को प्राथमिक स्तर पर अनिवार्य शिक्षा बनाएं। अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर UP सिंह ने कहा कि साप्ताहिक योग शिविर में न केवल योग के क्रियात्मक अपितु सैद्धांतिक पक्ष का भी अभ्यास कराया जाता है। मनुष्य के शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, इन चारों को स्वस्थ और सुखी बनाने के लिए योग ही ऐसा संसाधन है जिसके माध्यम से शरीर स्वस्थ होता है, मन संस्कारित होता है, बुद्धि प्रखर होती है तथा आत्मा जागृत होती है। योग का अर्थ जोड़ना होता है। योग के माध्यम से हमारे जीवन के प्रत्येक पक्ष में वृद्धि होती है और हम अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमें परम तत्व को प्राप्त करना सीमित इंद्रियों रूपी साधन से संभव नहीं है। यदि हमें परम सत्य का ज्ञान करना है तो बुद्धि के ऊपर छलांग लगाना होगा और वह योग से ही संभव है। योग के सिद्धांत पक्ष से ऊपर व्यवहारिक पक्ष जो इस पीठ के द्वारा प्रचारित व प्रसारित हो रहा है वह परम तत्व के ज्ञान में सहायक होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि आइंस्टीन कहता है कि विज्ञान से कभी भी शांति चाहते हो तो संभव नहीं है, वह केवल भारतीय योग विज्ञान से ही संभव है। द्वितीय सैद्धांतिक सत्र में मुद्रा एवं बंध विषय पर उद्बोधन देने के लिए मुख्य वक्ता के रूप में योगाचार्य डॉक्टर जयंत नाथ ने कहा कि चार प्रकार के बंध व विभिन्न प्रकार के मुद्राओं के द्वारा अपने जीवन को निरोगी व सुखमय बनाया जा सकता है। और भी जो बंध है वो मूल बंध से थोड़ा आसान हो जाते हैं, लेकिन मूल बंध लगाने से न्यूनी जागरण की स्थिति पैदा होती है। मूल बंध आप पद्मासन में, आसन में या किसी भी आसन में बैठते दुराचार को पास पानी को लगाते हैं। बुधवार को बेनीगंज स्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय पर महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता की अध्यक्षता में कार्य समिति की बैठक की गई, जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा के कार्य समिति सदस्य एवं पूर्व महानगर अध्यक्ष राधेश्याम श्रीवास्तव को माला पहनाकर स्वागत किया गया, जिसके संबंध में महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने बताया कि महानगर की कार्य समिति बैठक समय समय पर होती रहती है ताकि वर्किंग कमेटी को विश्वास दिला सके कि हमारी पार्टी के द्वारा जो पिछला और आगामी अभियान चलाया जाता है उसे सही ढंग से कर सके। महानगर अध्यक्ष ने कहा कि 21 जून को विश्व योग दिवस पर सभी शक्ति केंद्रों पर योग कार्यक्रम आयोजित करके सरकार के लाभकारी योजनाओं की चर्चा आमजन के बीच करनी है तथा बूथ सशक्तिकरण अभियान को सफल बनाना है, कमजोर बूथों को मजबूत करना है। इस अवसर पर दयानंद शर्मा, इंद्रमणि उपाध्याय, वीरेंद्र नाथ पांडे, रणविजय शाही, जितेंद्र चौधरी, अशोक गुप्ता, शिवम पांडे, अवधेश अग्रहरी, शशिकांत सिंह, रुपेश गुप्ता, आनंद अग्रहरी, कृष्ण कुमार, अजमेर आलम, रमेश चंद्र गुप्ता, सत्यार्थ मिश्रा, अरविंद त्रिपाठी, विक्की कुकरेजा, अमित श्रीवास्तव सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा, पादलं सुजलां सुजलां।
उसका निर्वहन करते आ रहे हैं। पिछले अभी विधानसभा चुनाव में आप सभी के अथक परिश्रम और मेहनत से गोरखपुर शहर विधानसभा से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को आप सभी ने रिकॉर्ड मतों से विजय श्री दिलाया, जिससे कि उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी जी के नेतृत्व में एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनी एवं गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा में भी आप सभी ने भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम किया। इसके लिए आप सभी यहाँ पर उपस्थित सभी आगंतुकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम सभी लगातार पार्टी के कार्यों को करते आ रहे हैं। कार्य समिति की बैठक में जैसा कि नियम है पिछले कार्यों को बताया जाए और आगामी जो कार्यक्रम है उसके बारे में उसकी रूपरेखा रखी जाए। हम सभी विधानसभा चुनाव के बाद लगातार 6 अप्रैल को पार्टी का स्थापना दिवस सभी मंडलों में हम सभी ने मनाया। महानगर की कार्य समिति बैठक यहाँ आयोजित है। महानगर की कार्य समिति बैठक समय समय पर होती रहती है, जो हमारी महानगर की वर्किंग कमेटी है, ताकि हम उस वर्किंग कमेटी को यह विश्वास दिला सकें कि हमें जो पार्टी के द्वारा जो अभियान और कार्यक्रम दिए गए पिछला, उसका अनुमोदन किया जा सके और आगामी कार्यक्रमों की चर्चा की जा सके, ताकि महानगर कार्य समिति उसको अनुमोदित करती है। उसी की दृष्टि से प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद हमेशा ये परिपाटी रही है कि सभी जिलों की कार्य समिति की बैठक आयोजित होती है, उसी निमित्त आज महानगर कार्य समिति की बैठक यहाँ चल रही है। इसमें फोरम होता है महानगर की, जो 91 की कार्य समिति हमारी होती है, हमारे पदाधिकारियों सहित 91 की कार्य समिति और हमारे जो मंडल के अध्यक्षगण हैं एवं मोर्चों के हमारे महानगर के अध्यक्षगण हैं, वो कार्य समिति की बैठक में आमंत्रित सदस्य होते हैं। आज उन्हीं की ये बैठक चल रही है। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। पिछले शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुए हिंसा के मद्देनजर आगामी शुक्रवार को जुमे की नमाज को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है जनपद पुलिस। ड्रोन कैमरे के सहयोग से लगातार की जा रही है निगरानी। एसपी सिटी ने कहा, उपद्रवी तत्वों के मंसूबों को पूरी तरह नाकाम करेगी गोरखपुर पुलिस। चोरी कर टेम्पो के पार्ट्स को अलग अलग करके बेचने वाले 3 टेम्पो चोरों को 2 चोरी हुए टेम्पो बजाज ऑटो के साथ 6 घंटे के अंदर शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने किया खुलासा। उच्च न्यायालय के निर्देश पर राजकीय महिला शरणालय का जिला जज तेज प्रताप तिवारी और जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने किया औचक निरीक्षण। जिला जज तेज प्रताप तिवारी ने कहा, जांच करने के बाद जांच की रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय को की जाएगी प्रेषित। थानों पर एफआईआर दर्ज न होने की कई शिकायतों का एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने लिया संज्ञान। जन सुनवाई का आयोजन कर अपने समक्ष फरियादी और विवेचक को आमने सामने बिठाकर सुना उनकी समस्याएं। कहा, फरियादियों की समस्याओं का किया गया निस्तारण, पुलिसकर्मियों की लापरवाही पाए जाने पर की जाएगी कठोर कार्रवाई। इक्कीस जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जनपद में होने वाले भव्य कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सीडीओ इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में योग के डॉक्टरों के साथ बैठक सकुशल हुई संपन्न। कहा, 21 जून को सुबह 5:30 बजे से 7 बजे तक कराया जाएगा योग। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तथा जिला जज तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में दीवानी न्यायालय परिसर में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। कहा, सभी को अवश्य करना चाहिए रक्तदान। आ
आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत गोरखनाथ मंदिर के दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित साप्ताहिक योग शिविर एवं शैक्षिक कार्यशाला का हुआ शुभारंभ। कहा, योग को अपनाने से न केवल शरीर अपितु मन भी रहता है स्वस्थ। और महानगर भाजपा के कार्य समिति की बैठक महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता की अध्यक्षता में हुई संपन्न। कहा, 21 जून को विश्व योग दिवस पर सभी शक्ति केंद्रों पर आयोजित होंगे योग के कार्यक्रम। सरकार के लाभकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और बूथ सशक्तिकरण अभियान पर हुई चर्चा। अब मुझे दें इजाजत, नमस्कार।